हेलो बच्चों, आज आपका जो है नया टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा विदाउट फ्रिक्शन, जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे थे विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि जो सरफेस थी वो कैसी थी? स्मूथ, चिकनी सरफेस थी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, ये कब आता है, क्यों होता है और किस तरफ एक्ट होता है, तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन बताया था कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि दो बॉडीज किस में होनी चाहिए? कांटेक्ट में। दूसरी बात, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल जो होता है, एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि दो बॉडीज कांटेक्ट में आपको दिखेगी तभी फ्रिक्शन डेवलप होता है। और भी उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, वो फ्रिक्शन नहीं होता। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो जो हवा का, एयर का जो लगता है वो क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस। या पानी में जो लगता है वो विस्कस फोर्स होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता है एक कॉन्टैक्ट फोर्स, जो अपोज करता है, इट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। ये ध्यान रखना, एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हमेशा लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन का कैसे मतलब? और टेंडेंसी, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन। मान लीजिए एक ये ब्लॉक है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और नीचे वाला भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा दोनों में। ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में। अगर ऊपर वाले की 3 है, नीचे वाले की 2 मीटर पर सेकंड है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? रिलेटिव मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है? जैसे हमने यहाँ पे ये ब्लॉक रखा, अब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, इसको धक्का देना चाह रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक हिल नहीं रहा, इसको तो एक्सीलेट कर जाना चाहिए था। तो यहाँ पे टेंडेंसी हो रही है रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो टेंडेंसी को जो अपोज करता है वो भी क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। जब टेंडेंसी होती है उस तरीके का जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं स्टेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, स्टेटिक फ्रिक्शन। और जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उस तरीके के फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। इट अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। कहाँ पे आता है ये? इट जनरेट्स ऑन रफ सरफेस। सरफेस कैसी कैसी होनी चाहिए? रफ। स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये अराइज क्यों होता है, तो जल्दी से समझ लेते हैं। अराइज क्यों होता है? जब दो ब्लॉक एक दूसरे के, जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस में स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, रोलिंग भी हो सकता है, तो क्या होता है कि इंटरलॉकिंग होती है। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे, मान लीजिए अभी तो हमें ये चिकना लग रहा है, ये क्या लग रहा है? स्मूथ लग, एक्चुअल में स्मूथ नहीं। जब इसको बहुत पास से देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि इसमें इस तरीके से इंटरलॉकिंग है, और दूसरा जब ऊपर स्लाइड करता है तो उसकी इंटरलॉकिंग इसमें क्या हो जाती है? एक तरीके से एडजस्ट। इसको ब्रेक करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा, उसी को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। या दूसरा तरीका बताया, मॉलिकुलर बॉन्डिंग, ठीक है। तो अराइज क्यों होता है? ये ड्यू टू इंटरलॉकिंग और मॉलिकुलर बॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को और रिलेटिव मोशन को। और ये किधर लगता है? इट एक्ट्स
पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इट एक्ट्स पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे हमने बताया था जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के लंबवत। ये किधर लगेगा? पैरेलल। ठीक है, नोट कर लो। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे पहचानेंगे? तो एक मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मान लीजिए हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, सरफेस कैसी है? ठीक है, उसके पहले एक और ले लेते हैं, ये ब्लॉक है और ब्लॉक इसमें रेस्ट में। अभी इस ब्लॉक में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अभी इस ब्लॉक में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, क्या है? रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? 0। भाई किस चीज़ को अपोज करेगा वो? जब यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो किस चीज़ का अपोज करेगा? तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी इस केस में? 0। यहाँ पे हमने देखा कि 1 न्यूटन लगाया और फिर भी हमने ऑब्जर्व किया कि अभी भी ब्लॉक किसमें है? रेस्ट में। तो अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन पढ़ा था, तो इसको तो एक्सीलेट कर जाना चाहिए था, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलेशन। मान लो इसका मास m है, तो हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n और नीचे क्या लगेगा? mg। तो n की वैल्यू तो mg के बराबर होगी, ये तो फिक्स है। और अभी तक मान लीजिए हमने जब तक फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था तो हम क्या करते कि नेट फोर्स 1 इज इक्वल टू m इंटू a, लेकिन हम ऑब्जर्व करने की रेस्ट में, यानी कि इतना ही फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट, 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर ऑब्जर्व किया, फिर इसी ब्लॉक में हमने मान लीजिए लगाया 2 न्यूटन, फिर भी देख रहे हैं अभी भी ब्लॉक इसमें रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में, यानी कि इधर कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, अब हमने 4 न्यूटन किया, कितना कर दिया? 4 न्यूटन, और अभी भी ऑब्जर्व किया कि अभी भी किसमें है? ये रेस्ट में, यानी कि इधर कितना लगेगा? 4 न्यूटन। ठीक है, और जैसे ही 4 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, जैसे ही 4 न्यूटन से हल्का सा ज़्यादा किया, तो देखा इसमें क्या आ गया? मोशन। तो क्या अब इसमें अपोज नहीं कर पा रहा है? अभी भी अपोज कर पा रहा है, लेकिन पहले जितना नहीं कर पा रहा है। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे हो, जब उसकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो फ्रिक्शन कैसा था? उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आपका ब्लॉक इसमें हो, रेस्ट में हो, बॉडी रेस्ट में हो, यानी कि उसकी टेंडेंसी, ये जाना आगे चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो इसकी टेंडेंसी किधर है? आगे जाने की। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक। उसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं थी। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसने अपने आप को एडजस्ट कर दिया है। भाई यहां पे 1 न्यूटन लगा, यहां पे 2 न्यूटन, आपसे कहा जाए कितना स्टैटिक फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड है, तो आप ये जवाब नहीं दे सकते हैं। यहां पे 1 था, यहां पे 2 था। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को क्या करता है? सेल्फ एडजस्ट। लेकिन हमने देखा कि 4 न्यूटन के बाद जैसे उसको बढ़ाया तो ब्लॉक मूव करने लगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बाद ब्लॉक क्या करता है? स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? क्या वो क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है, उस तरीके का जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आपको जो थ्योरी है ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और सिलेबस आपका कम टाइम पे कराना है।
तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसीलिए हमने बताया कि जो फ्रिक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक भी दो टाइप का होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, अभी उसकी बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है और कब काइनेटिक लगेगा, जब आपका टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, यानी कि ब्लॉक इसमें हो रेस्ट में, विरामावस्था में, तो वहां पे फ्रिक्शन कैसे लगता है, सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग, उसका कोई मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं, वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा, लेकिन उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसकी भी क्या होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू, उसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्रॉस करेगा तो ब्लॉक क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो जब मोशन में आता है तो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन होता है, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब एक्चुअल में मोशन हो सकता है तो मोशन के दो तरीके होते हैं, या तो ब्लॉक स्लाइड करते हुए जाए या रोल करते हुए जाए, जैसे साइकिल चलाते तो साइकिल का टायर क्या करता है, रोल, ठीक है, नोट कर लो। देखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम एफ एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं एफ एस मैक्स, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लॉज क्या होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को कहते हैं म्यू एस, म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है, सरफेस का क्या नेचर है और मटेरियल कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो जब सरफेस स्मूथ होती है, ऑयल वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम। तो ये उस पर डिपेंड करेगा नेचर और मटेरियल ऑफ सरफेस पर, ज़्यादा खुरदुरी सरफेस होगी तो कोफिशिएंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्या होगा ये, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस और डायमेंशन, क्यों, आप खुद ही देख रहे हैं म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एल अपॉन एन। तो फ्रिक्शन भी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स, ठीक है। तो ये होता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और ये कोफिशिएंट आता है। तो कभी भी ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो काइनेटिक लगने लगेगा, क्या लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक ब्लॉक रखा है, इसका मास मान लीजिए कितना है, 2 kg, ठीक है, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.3, कितना दिया है, 0.3। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया 4 N, जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 m/s². फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ले लिया, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, 4 N, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.3। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जल्दी से बताइए। तो देखो बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत लोग बता रहे हैं 6 N, 6 N गलत है, और यही कॉमन मिस्टेक है, यही आपको हम समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब ये हमें पता नहीं ये ब्लॉक रेस्ट पे की मोशन, हो सकता है ये रेस्ट पे, हो सकता है
मोशन, ये तो दिया नहीं है, बस फोर्स दिया इतना लग रहा है भाई। स्मूथ सरफेस होती तो 100% कहते मोशन में है, सरफेस कैसे दिए रफ, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पता लगाना है कि रेस्ट पे हो या कि मोशन पे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा एन और इधर क्या लगेगा एम जी। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, एन इक्वल टू कितना होगा एम जी, कोई डाउट? तो एन इक्वल टू मास कितना की बने इसका 2 और जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 20। तो एफ एल की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एल की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन होता है, तो म्यू एस कितना दिया 0.3 × 20, तो कितना जाएगा ये 6 न्यूटन एफ एल। तो फ्रिक्शन आ गया एफ एल 6 न्यूटन। अब आपको लग रहा है कि कितना होगा है? अब आपको लग रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर आप यहाँ पे 6 न्यूटन लगा देते तो ये तो लेफ्ट में चला जाना चाहिए। फ्रिक्शन कभी भी बॉडी को मोशन कराना नहीं चाहता है, वो क्या करता है मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। और अभी हमने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यहाँ पे कितना लगेगा 4 न्यूटन ही लगेगा, वो अपने आप को एडजस्ट। तो कितनी वैल्यू होगी, स्टैटिक लगेगा, लिमिटिंग तो लगेगा नहीं, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, फॉर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, फॉर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना। कभी भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे आप देख रहे हो कि फोर्स लग रहा है और बॉडी तब भी रेस्ट, तो फॉर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, ये कंडीशन होती है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा आपको ऐसे दिया जाएगा तो उसके 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वो फोर्स इसलिए नहीं लिखा हमने, इसीलिए लिखा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, लिमिटिंग से। यहाँ पे लिमिटिंग कितना है 6, अप्लाइड कितना कर रहे हैं 4, तो 6 तो लगेगा नहीं भाई, अगर आप 6 लगा लोगे तो ये तो लेफ्ट में चला जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो अपने आप को एडजस्ट किया 4, यहाँ पे 2 लगता तो कितना आता 2, 1 लगता तो 1, 6 लगता तब 6 आता, 7 लगता तब काइनेटिक लगने लगता, तो वहाँ पे म्यू के भी अगर गिवन होता, आगे बात करेंगे म्यू के क्या होता है। तो किसी को कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट फोर्स होता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि जब आपका एक्चुअल में क्या होता है रिलेटिव मोशन, ये भी 2 टाइप का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग की बात, स्लाइडिंग की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपको दिया है और ये ब्लॉक रफ सरफेस में मान लीजिए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है रिलेटिव मोशन। तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। हमेशा ध्यान रखना काइनेटिक फ्रिक्शन इज जो एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने बताया था फोर्स हमेशा क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में, जितने भी आपके आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है, हर किस कोई किस में होता है पेयर में। तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक में किधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, लेफ्ट में, यानी कि ग्राउंड में किधर लग रहा होगा, राइट में, ग्राउंड में भी लगेगा, ठीक है? और अगर बात करें लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो सेम वो उसी तरीके से होता है, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कोफिशेंट आता है उसको कहते हैं म्यू के, और म्यू के क्या होगा आपका कोफिशेंट ऑफ, म्यू के को कहते हैं कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक
फ्रिक्शन, और ये भी जो है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कभी भी किसी ब्लॉक को एक बार आप अगर धक्का देके स्टार्ट कर दें मोशन में आ जाए तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि जो म्यू एस है और म्यू के दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा, म्यू एस म्यू के से क्या होता है ज़्यादा, ठीक है, यानी कि स्टेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होगी काइनेटिक्स से, समझ में। एक बार बॉडी अगर स्टार्ट हो गई चलना तो फोर्स कम लगाना पड़ता है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नोट करो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है आपको ना कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होगा ना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होगा, सिर्फ लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या लिखा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस सरफेस का इतना है, आपको दिया होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिर्फ लिखा है म्यू इक्वल टू मान लीजिए 0.3 दिया है, तो इसको काइनेटिक लेंगे कि स्टैटिक लेंगे, इसको आप म्यू एस भी ले सकते हैं और म्यू के भी ले सकते हैं, हमने बताया म्यू एस म्यू के से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ब्लॉक रिलेटिव मोशन कर रहा है सरफेस के रिस्पेक्ट में तो म्यू के की जगह यही लेंगे, अगर वो रेस्ट पे होगा तो म्यू एस की जगह ये ले लेंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन होगी तो म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए जाते हैं। कभी भी अगर आपसे सिर्फ कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो अगर बात करें इसका, मान लो कोई एक ब्लॉक है हम इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सरफेस कैसी है रफ, इसका मास कुछ भी हो सकता है, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो ग्राफ का शेप कैसे आएगा, कहां से स्टार्ट होगा, मान लो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है जीरो, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन कितना होगा, कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, अप्लाइड फोर्स जीरो तो फ्रिक्शन जीरो, जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा, वन न्यूटन होगा तो वन न्यूटन फ्रिक्शन, टू तो टू, तो कैसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंचेगा लिमिटिंग में, यहां पे लिखें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, ठीक है, फ्रिक्शन क्या लगने लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसे ही ये ग्राफ हमने थोड़ा सा इधर आप फ्रिक्शन कर लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इधर फ्रिक्शन फोर्स कर लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं अप्लाइड फोर्स, तो ये एफ एल कहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुक में इसी तरीके से लिखा है, उस तरीके से भी बन सकता है लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जहां पे ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा काइनेटिक, तो काइनेटिक रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता कि 1 मीटर पर सेकंड है तो कुछ और लगेगा, 2 मीटर पर सेकंड है तो कुछ और लगेगा, अगर वो रिलेटिव मोशन में है तो उसकी वैल्यू क्या जाती है फिक्स, एफ के की वैल्यू कितनी होती है म्यू के इन टू एन, तो हल्का सा कम हो जाएगा ये, और फिर ग्राफ कैसे आ जाएगा यहाँ पे कौन सा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई
सेम। और हल्का सा ये नीचे क्यों आया ग्राफ, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक से क्या होता है, कम होता है। और ये कांस्टेंट लाइन का क्या मतलब है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कभी भी रफ सरफेस में अगर हमने बात की कि कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो मान लीजिए एक ब्लॉक है और इसका मास है m, इसमें फोर्स हमने लगाया f, तो यहाँ पे कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स लगेंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो भी कांटेक्ट फोर्स है इस तरफ, और फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे, ठीक है। तो अब से अगर हम f बात कर रहे हैं तो f आपका स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, और लिमिटिंग भी, ये डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। तो हम इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि फ्रिक्शन है वो, आपको पता वो कब स्टैटिक होगा, जब ब्लॉक इसमें होगा, रेस्ट। वो लिमिटिंग कब होगा, जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। वो काइनेटिक कब होगा, जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, पैरेललोग्राम लॉस है इस तरफ आएगा, इसको मान लेते हैं आर, इसको क्या मान लिया आर। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन। अब फिर से आप कन्फ्यूजन होना कि म्यू एस लिखेंगे म्यू के, हमने बताया वो म्यू आपका दोनों में एडजस्ट हो गया जो हो रहा होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हमने क्या लिख दिया उसको, म्यू कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। तो कितना जाएगा ये, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन प्लस म्यू स्क्वायर, एन स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा, तो कितना जाएगा एन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, एन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, इसको कहते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। कभी भी अगर आपसे रफ सरफेस में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए या रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वो होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट हम आता है यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है, कोई एंगल होगा ये, ठीक है, नाम से पता चल रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। किस किस के बीच का एंगल, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है, इसको थीटा से अगर रिप्रेजेंट कर दें, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से देखें, ये वैल्यू एफ है तो ये वैल्यू भी एफ होगी, वेक्टर में डिस्प्लेस कराने में वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, ये अगर एफ है तो ऊपर भी तो एफ कर सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर कितना है एफ और बेस कितना है एन, समझ में आ गया है। तो टेन थीटा की वैल्यू जाएगी एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन अपॉन एन, समझ में आ गया है। म्यू हमने बताया कुछ भी ले सकते हैं, चाहे स्टेटिक चाहे काइनेटिक, तो एक जनरल ले लिया हमने, एन से एन हो गया आपका, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू, यानी कि थीटा की इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स म्यू, समझ में आया कि नहीं आया। क्या होता है जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे दिया, थीटा की वैल्यू दे दी 60 डिग्री की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मान लो कितना है 60 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन 60, टेन 60 का क्या मतलब है रूट थ्री, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट थ्री, समझ में आया कि नहीं आया। या उल्टा दे दिया जाए, म्यू की वैल्यू कितनी दे दी, वन अपॉन रूट थ्री, तो अगर आपसे थीटा पूछा जाए थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स
वन बाय रूट थ्री, तो वन बाय रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो कितना जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नोट करिए। तो अभी हमने बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब एक टर्म आता है एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं इसको, ये आपका डिफाइन होता है फॉर रफ इंक्लाइन प्लेन। किसके लिए? फॉर रफ इंक्लाइन प्लेन। क्या होता है, मान लो ये जो हमने ऊपर वाली आपको सरफेस दिख रही है, ये सरफेस कैसी है? हॉरिजॉन्टल। इस सरफेस को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहाँ पे हमने ये एक चौक रख दिए, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इंक्लाइन कर रहे हैं। अभी भी किस में? ये रेस्ट पे, और इंक्लाइन करते जा रहे हैं। इंक्लाइन का मतलब है मेरे हाथ से जो एंगल बना रहा है, ये जो मेरे हाथ से क्या बना रहा है, एंगल। ठीक है, जो ये हाथ से एंगल बना रहा है वो इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, धीरे धीरे और इंक्लाइन करते जा रहे हैं, और जैसे ही ये स्टार्ट करा स्लाइड करना, उस एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आफ्टर विच ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, किसी को कोई डाउट? जैसे ये अभी रेस्ट में, ये किस कौन सी सरफेस है? हॉरिजॉन्टल। इस सरफेस को हम धीरे धीरे एंगल करते जाएं, और जैसे किया तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या कर दिए, स्लाइड, उसको कहते हैं। यानी कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज से कम अगर किसी भी इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो उससे कम है एंगल ऑफ रिपोज से, तो ब्लॉक रेस्ट में होगा कि मोशन में? रेस्ट में। तो ये इंक्लाइन प्लेन है मान लीजिए, और ये ब्लॉक है। सरफेस कैसी है? इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए कितना है? न्यू। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा पे, अल्फा पे ये किस रेस्ट पे होगा कि मोशन पे? रेस्ट पे। अल्फा से जैसे ही एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आफ्टर विच ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो जब यहां पे देखेंगे तो ये जस्ट आपका इसके बाद क्या करने लगेगा? स्लाइड। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी टेंडेंसी नीचे आने की कि ऊपर जाने की है? नीचे, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इसमें? ऊपर। ठीक है, एफ वो लिमिटिंग है, हमने बताया एफ लिख दिया, तो जो कंडीशन हो रही होगी आप वो कर सकते हैं। इधर नीचे इस तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। एम जी के हमने बताया था दो कंपोनेंट होते हैं, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है? एम जी साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ क्या हो जाएगा? एम जी कॉस अल्फा। ब्लॉक रेस्ट में, ब्लॉक इसमें रेस्ट में, तो नेट फोर्स कितना होगा? यानी कि एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम जी कॉस अल्फा के बराबर। और एम जी साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम जी साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक और लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे क्या होता है, यह जगह एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू के इंटू एन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू एन कर लिया। अब यहां पे एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस अल्फा, तो म्यू इंटू एम जी कॉस अल्फा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? म्यू, यानी कि अल्फा कितना जाएगा?
टेन इनवर्स म्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी टेन इनवर्स म्यू। यही क्या आया था अभी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों क्या होते हैं सेम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर सेम। अब देखो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरफेस अगर रफ है तो वहां पे फ्रिक्शन भी क्या करेगा, टेंडेंसी को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है या एक्चुअल में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, इंक्लाइंड प्लेन में मान लो ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक का एंगल मान लेते हैं फाई है, क्या मान लेते हैं फाई, और फाई की वैल्यू किससे ज्यादा है, फाई की वैल्यू किससे ज्यादा है अल्फा से, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज था अभी, फाई एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कुछ भी दिया है। तो पहले तो मान लेते हैं, अच्छा पहला केस ले लेते हैं, फाई की वैल्यू क्या है लेस देन अल्फा, फाई की वैल्यू क्या है, तो ये ब्लॉक रेस्ट में होगा कि मोशन में, रेस्ट, फाई लेस देन इक्वल टू अल्फा तक रेस्ट पे रहेगा ये भाई। यहां से करिए आप ऐसे, इंक्लाइन प्लेन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जब ये ऐसे अल्फा होगा तब ये ब्लॉक उसके जस्ट बाद क्या करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ रिपोज से कम है या इसके बराबर है तब तक ब्लॉक किसमें होगा रेस्ट में। अब जैसे ही फाई की वैल्यू, जैसे ही फाई की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी अल्फा से, तो ये ब्लॉक किधर की तरफ स्लाइड करेगा, नीचे आएगा कुछ एक्सीलेशन से आएगा, जब नीचे आएगा कुछ एक्सीलेशन से तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इसमें ऊपर, फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर, काइनेटिक लगेगा, कौन सा लगेगा काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड कर रहा है, किस एक्सीलेशन से आता है, जब सरफेस स्मूथ होती है, जब सरफेस क्या होती है स्मूथ, तब कितना एक्सीलेशन आया था जी साइन थीटा, तब कितना आता है जी साइन थीटा, जी टेन थीटा तो होता है जब वेज और ब्लॉक साथ में मूव करते हैं और ब्लॉक स्लाइड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू वेज, कभी भी स्मूथ सरफेस में जो ब्लॉक नीचे आता है जी साइन थीटा से, ठीक है। यहां पे कितना होगा, थोड़ा ध्यान देखो, हम इसका बीडी बनाएंगे, इस तरफ क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, इस तरफ क्या होगा एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी म्यू इंटू एन, अगर वो म्यू के दिया होगा तो म्यू के पुट कर देंगे, हमने बताया तो म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, यानी कि फ्रिक्शन जो लगेगा कितना लगेगा म्यू एम जी कॉस फाई है, यहाँ पे क्या लिया हमने, क्योंकि थीटा हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन मान चुके हैं तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एम जी साइन फायदा लगेगा एम जी कॉस फायदा लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू एम जी कॉस फाई, ये एक्सीलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ कितना फोर्स है नेट, इधर है एम जी साइन फाई, नीचे कितना है एम जी साइन फाई, और ऊपर कितना है माइनस म्यू एम जी कॉस फाई, एम जी साइन फाई माइनस म्यू एम जी कॉस फाई, नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सलेशन, एम से एम कैंसिल हो गया, ये एम कैंसिल हो गया, यानी कि ए की वैल्यू आ गई जी साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई, या अगर जी कॉमन ले लें तो साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई, साइन फाई माइनस, तो कभी भी रफ इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक अगर नीचे आता है तो एक्सलेट करते हुए नीचे आएगा और उसका एक्सलेशन कितना होगा जी साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई। क्या कभी किसी रफ इंक्लाइन सरफेस में रिटार्डेशन हो सकता है, हो सकता है अगर किसी ब्लॉक को नीचे से ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी से छोड़ा जाए तब वो क्या करता है रिटार्डेशन, पहले तो इतना नोट कर लो। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी अगर रफ इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा तो एक्सीलेशन कितना होता है जी साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई,
यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में अभी आ चुके हैं कि ब्लॉक को छोड़ा है कितने टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर सकते हैं। अगर ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा जाए एक ही जगह क्या पुट करना है, जी साइन फाइव माइनस यू जी कॉस फाइव। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसके रिवर्स होते हैं, मान लो ये फाइव दिया और फाइव की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है, ये मान के चलेंगे। यहाँ पे हमने ब्लॉक को वी वेलोसिटी दी और छोड़ दिया, जब वी वेलोसिटी देंगे सरफेस कैसी है, रफ। ये क्वेश्चन आपका स्मूथ में भी बनते हैं, तो वहां पे सिर्फ क्या लगेगा, जी साइन फाइव। अब ये ऊपर जा रहा है, ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर, तो हमें पता है कुछ टाइम बाद जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, जीरो, फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाते ही इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो एक्सीलरेट करते हुए आएगा, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कितना एक्सीलरेशन होगा। ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी जीरो क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन, क्या होगा यहाँ पे, रिटार्डेशन, किसके कारण रिटार्डेशन होगा, फ्रिक्शन के कारण भी और एम जी साइन फाइव के कारण भी। इसका जब एफ बी डी बनाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ क्या जाएगा, एम जी कॉस फाइव, इस तरफ क्या आएगा, एम जी साइन फाइव, और फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, क्योंकि मोशन किधर है इसका, ऊपर, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन टू एन, और एन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी कॉस फाइव, यानी कि म्यू इन टू एम जी कॉस फाइव, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। तो रिटार्डेशन कितना होगा, एम जी साइन फाइव इधर और म्यू एम जी कॉस फाइव इधर, तो कितना रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन कितना होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन फाइव प्लस म्यू एम जी कॉस फाइव इज इक्वल टू एम इन टू ए, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, समझ में आ गया, विद साइन पुट करते हैं जब भी काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे वहां पे, तो एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस जी साइन फाइव प्लस म्यू जी कॉस फाइव, जी भी कॉमन ले सकते हैं, इतना ही छोड़ दिया हमने, तो यहां पे क्या हो जाता है, बीच में प्लस, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन। अब देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया हमने, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और इसका एंगल कितना मान लीजिए, फाइव, फाइव की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा, यहाँ पे इसको ब्लॉक को रखा एम, कैसी सरफेस है, तो हमें पता है ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा क्योंकि फाइव की वैल्यू किससे ज़्यादा है, अल्फा से, तो ये रेस्ट पे तो हो नहीं सकता है। ब्लॉक जब नीचे की तरफ आएगा कितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, जी साइन फाइव माइनस म्यू जी कॉस फाइव। हमने एक फोर्स यहां पे अप्लाई किया, इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है, और आपसे कहा जाए फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। हमें पता था कि अगर एफ ना लगाते तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता, अब हमने फोर्स एफ लगा दिया तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि ब्लॉक रेस्ट पे हो। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम से क्या मतलब है, ये डस्टर है, इस डस्टर को यहां पे रख दें तो डस्टर किधर आएगा, नीचे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, वो मिनिमम वैल्यू होती है। हमें इसको रोकना डस्टर को, तो हमने उंगली लगा दी, हल्की सी उंगली लगा दी, इसकी टेंडेंसी अभी जाने की किधर है, नीचे जाने की है, फ्रिक्शन किधर, ऊपर, हम मैक्सिमम लगा के रोक रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स लगा के रोका हुआ है, अब इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। जब आप जो आप सोच रहे हैं वो आप मिनिमम के लिए सोचते हो, फ्रिक्शन में जो आप सोचते हो
वो किसके लिए सोचते हो, मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए उसका उल्टा हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर इसको मिनिमम की बात है, इसको हम मान लीजिए हमने हल्का सा उंगली लगा दिया, हल्का सा उंगली लगा के रोक दिया, तो इसकी रुका रहेगा, टेंजेंसी है किधर आने की, नीचे। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। तो फॉर मिनिमम की बात करें, फॉर मिनिमम फोर्स अगर मिनिमम निकालना तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ये हमें पता है n की वैल्यू इधर होगी, n इधर होता है, नॉर्मल रिएक्शन इधर क्या होगा, mg cos थीटा, इस तरफ क्या होगा, mg cos फाई लिया हमने, तो फाई ले लेते हैं mg cos फाई, इधर क्या होगा mg sin फाई। f की वैल्यू पहले ही बात कर चुके हैं कितनी होती है, म्यू n, यानी कि म्यू mg cos फाई, ये बार बार बता चुके हैं। f की वैल्यू कितनी होगी ब्लॉक रेस्ट पे, तो n की वैल्यू तो हमें समझ में आ रही है, m cos फाई होगी, n की वैल्यू कितनी होगी mg cos फाई के बराबर, और इधर लग रहा है f, और फ्रिक्शन भी उधर ही लग रहा है, यानी कि f और प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना होगा mg sin फाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और f की वैल्यू कितनी है कि mg sin फाई माइनस f, और f की वैल्यू कितनी है mg sin phi माइनस म्यू mg cos phi। तो मिनिमम फोर्स कितना आ जाएगा, f मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg, अगर कॉमन ले लें, sin phi माइनस म्यू cos phi, ये मिनिमम इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ब्लॉक इसमें रहे रेस्ट पे। कोई डाउट, नोट करिए। तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर। अगर मैक्सिमम की बात करें, अब मान लीजिए आपने भाई अगर इसको कस के फोर्स लगाओ तो ऊपर जाने लगेगा, ये जब ऊपर जाने लगेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, नीचे। तो वही समझिए, जब मैक्सिमम की बात है तो रेस्ट पे हम मैक्सिमम लगा के इसको रोका हुआ है, यानी कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, नीचे आने की नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है, हमने फोर्स जो लगाया वो मैक्सिमम लगाया रेस्ट पे, यानी कि थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा देंगे तो ऊपर स्लाइड करने लगेगा, टेंडेंसी किधर है जाने की, ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए जो फ्रिक्शन है वो किधर लगने लगेगा, नीचे। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू तो mg cos phi होगी, और n f माइनस f, f माइनस स्मॉल f कितना होगा mg sin phi, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ भी कितना जाएगा प्लस, यहाँ कितना जाएगा प्लस। तो ये ध्यान से समझिए कि इंक्लाइंड प्लेन में जो हमने बताया था एक चीज डिफाइन होती है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन आफ्टर विच ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो उससे कम अगर एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है तो ब्लॉक हमेशा किस में होगा, रेस्ट में। अगर रफ इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर अगर होगा तभी ब्लॉक नीचे की तरफ आता है, और ब्लॉक जब नीचे की तरफ आता है तो किस एक्सलेशन से आता है, जी साइन फाई माइनस म्यूजी कॉस फाई, ठीक है। जब ब्लॉक को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो रिटार्डेशन होगा, और वो कितना होगा, जी साइन फाई प्लस म्यूजी कॉस फाई, और माइनस साइन क्यों दिखाया था हमने, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। एक रिटार्डेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हमने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया, किस वेलोसिटी से थ्रो किया, v, इसका मास मान लेते कितना है m, सरफेस कैसी है, अगर ये सरफेस स्मूथ होती, स्मूथ होती तो ये हमेशा ब्लॉक किस वेलोसिटी से चलता,
वी से। सरफेस रफ है तो धीरे धीरे पता है कि इसकी फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और लास्ट में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो उसके कारण रिटार्डेशन कितना लगेगा। हम पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक। ठीक है, स्टॉप जब होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन करने से पहले आपको काइनेमेटिक्स के भी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कभी भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं विद फ्रिक्शन तो मोशन आपको फील होना चाहिए। अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको हमने इस तरीके से थ्रो किया तो हमें पता धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, यानी कि फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन। कभी भी वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है उसमें क्या होता है, रिटार्डेशन, यानी कि जो फोर्स है वो अपोज करता है मोशन का। तो इसका बीडी जब बनाए इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन और इधर क्या लगेगा एम जी। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक किधर मूव हो रहा है, आगे, तो यहाँ पे रिलेटिव होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, कितना होगा म्यू इंटू एम जी, फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एम जी। तो नेट फोर्स जो लग रहा है म्यू इंटू एम जी, ये किसके बराबर होगा, माइनस एम इंटू ए, माइनस क्यों लिखा है, रिटार्डेशन, ये फोर्स जो लग रहा है अपोजिट टू मोशन, तो एम से एम कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस म्यू जी। यहाँ पे ये आपका ए जो आया ये क्या है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन जो है ये अपोज करता है मोशन का। ठीक है, हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम काइनेमेटिक इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, वी होती है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन विद साइन, और एस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वी की जगह क्या जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनली कितना हो गया जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यू की जगह कितना लिखेंगे वी, तो वी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है, रिटार्डेशन है, तो माइनस म्यू जी इंटू एस की जगह क्या होगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी यहां से, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप्स, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। किसी को कोई डाउट, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।